ही हमने वो देसी जुगाड़ किया तो तुरंत जो है सिटी बच गई। तो आज एक राज की बात बताता हूं कि मैं जब भी मन करता है खाना बनाता हूं, लेकिन दोस्तों इसमें नया क्या है, हर तीसरा आदमी तो खाना बनाता है, लेकिन मैं बहुत मजबूरी में बनाता हूं। लेकिन एक समस्या जो है आप लोगों के बीच में अक्सर आती होगी, उसको लेकर मैं आपके बीच में आ जाया हूं। असली उद्देश्य यही है कि आप लोग इस जो समस्या आपके घर में इस तरह से किचन में आती है और खासतौर से इस कुकर से आती है, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर कुकर जो है सीटी नहीं आती है ना, और सीटी ना आए तो क्या होता है कि कई बार प्रेशर नहीं बनता है। अब और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बार बार हम यूज करते रहते हैं, तो यूज करने में जो है इसके ये सांचे जो होते हैं, ये गैप्स, ये जो है आपके ज़्यादा चौड़े हुए रहते हैं। और कुकर जो है ऐसी चीज़ है जिसको हम पिचका भी नहीं सकते, ठीक है, हथौड़ा मार मार के या जो है एल्यूमिनियम की तरह। तो इसके लिए क्या करें, एक छोटा सा जुगाड़ मेरे पास है, मैं आपको भी बताता हूँ, आप भी करें और 100% फायदा होगा। आप आंच पर कुछ भी पकाएं, चाहे चावल या दाल जो भी पकाएं और सीटी ना आए, तो उसके लिए क्या करें, आप सबसे पहले कुछ चम्मच जो है पानी इस तरह से ऊपर से इसमें डाल दें, ठीक है, देख रहे होंगे मैं पानी डाल रहा हूँ, दूसरी चम्मच, और आप देख रहे होंगे ये पानी, देखिए इस पर से बबल्स बन जाते हैं, ठीक है, ये तो क्या गैस बंद हो गई, लेकिन बिल्कुल गैस को धीमी आंच पर रख दें, ठीक है, तेज ना रखें, और उसका देखिए ये बबल्स बन रहे हैं आपके सामने, बन रहे हैं। इसका मतलब है कि जो इसके अंदर इनकी खांचों में एयर फंसी हुई है, जो कि आपके इस सीटी को सपोर्ट नहीं कर रही, यानी सीटी में गैस नहीं आ रही, सीटी नहीं लग रही है। तो उसके लिए ये बबल्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी डाल दें, सिंपल 2-3 चम्मच पानी डाल दें, बस सीटी प्रेशर बनने लगता। और ये जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो बहुत तेज़ी से बबल्स निकलते हैं, देखिए, और इसका मतलब है कि आपका ये प्रेशर इस पर बनना शुरू हो चुका है और प्रेशर सीटी आ जाएगी। यही हमने वो देसी जुगाड़ किया तो तुरंत जो है सीटी बज गई। ये वाली सीटी नहीं, ये वाली सीटी बजी है। तो ये सीटी वाला वीडियो जिसको भी पसंद आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किसने आपने इस फंडे को अपनाया या नहीं अपनाया, और अपनाया है तो कितने लोगों को बताया, क्योंकि ये फ्री का फंडा है। और आपको बस एक काम करना है, लाइक और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।